हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुयश जॉर्ज। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो रिसेंटली मैंने बाय किया था DJI की तरफ से आने वाला सबसे लेटेस्ट मिनी सीरीज ड्रोन, जो कि है मैविक मिनी 4 प्रो। उससे पहले मैं यूज़ करता था DJI का सबसे पुराना और सबसे पहला ड्रोन, DJI का मैविक मिनी 1। बट इस ड्रोन के कुछ डिसएडवांटेजेस थे जिसकी वजह से मेरे को ये ड्रोन स्विच करना पड़ा मिनी 4 पे। तो इस वीडियो में ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, मेरा काम है मोटो ब्लॉगिंग करना। आगे वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप DJI मैविक मिनी 4 प्रो ले रहे हो तो इसमें आपको कौन से एसेसरीज लेने चाहिए और कौन से ऐसे डिसएडवांटेजेस थे इस ड्रोन के जिसकी वजह से मैंने अपना ड्रोन स्विच किया मिनी 4 पे। और आपको इसमें प्राइस भी मेंशन कर दूंगा जहाँ से मैंने परचेज़ किया है, शायद थोड़ा सा हेल्प मिल जाए आपको ड्रोन लेने में। और जहाँ से मैंने बाय किया है वहाँ पर आप अपना ड्रोन रिपेयरिंग भी करा सकते हो, और आपको सारी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके चेक भी कर सकते हो। तो अब करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना किसी पता है ना आगे का लाइन। तू मेरी नकल करता है रादुंदा। तो सबसे पहले करते हैं प्राइस की बात, और मैं शॉप का लोकेशन और ओनर का नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप अपना ड्रोन खरीद सकते हो। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ शेयर कर देता हूं। अगर आप एक मैविक मिनी 4 प्रो ले रहे हो वो भी फ्लाइमोर कॉम्बो बंडल, तो इसमें आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला आता है नॉर्मल बंडल और दूसरा आता है प्लस बंडल। दोनों में बस फ़र्क इतना ही है कि अगर आप एक नॉर्मल बंडल ले रहे हो ना तो उसमें आपको 35 मिनट्स वाला बैटरी बैकअप मिलता है, और अगर आप एक प्लस बंडल ले रहे हो तो उसमें आपको 45 मिनट्स वाला बैटरी बैकअप मिलता है। दोनों में तीन तीन बैटरीज आ जाते हैं। तो सूरत में मैंने जहाँ से खरीदा है वहाँ पे मुझे 1,14,000 रुपीज़ में पड़ा है प्लस वाला, और वहाँ पे नॉर्मल जो है नॉर्मल किट का प्राइस आपको पड़ेगा 1,09,000 रुपीज़। तो सूरत में मैंने जहाँ से ड्रोन खरीदा है उस शॉप का लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और शॉप का नाम है खोडियार इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये आ गया अपना मैविक मिनी 4 प्रो। बहुत छोटा बॉक्स है इसका, मिनी 1 से तो बहुत छोटा है। फुल पैक्ड है देख सकते हो आप। एंड नाम बता दीजिए आप अपना। जयेश भाई। एंड ये कितने में पड़ा अपने को? 114। आप ऐसे जो बिगनर्स ड्रोन रहते हैं मिनी 1 मिनी 2 मिनी 3 मिनी 4, तो ये सबका प्राइसिंग क्या होगा वो भी बता दो ना एक बार। वो मतलब डेली अपडेट, डेली अपडेट रहता है उसका अलग अलग। तो अभी फिलहाल में क्या चल रहा है? मिनी 2 SE 63 है। 63 ओके, बराबर। और मिनी 3 ओनली मिनी 3 कॉम्बो के साथ 73 ओके 73 में। और मिनी 4 तो अपना 114 में पड़ रहा है। तो देख लो यहाँ पे, आपको अगर ये प्राइस में कहीं पे मिल जाए तो मुझे बता देना। पहले आपको बता दूँ तो ये शॉप पे आपको 20,000 रुपये से लेके 15 लाख रुपए तक का ड्रोन मिल जाएगा। और सपोज आप कोई और स्टेट में रहते हो, बहुत ज़्यादा ही दूर है जो, और आप ये शॉप पे आके ड्रोन नहीं ले सकते, तो यहाँ पे आपको शिपिंग ऑप्शन भी मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको FPV ड्रोन से लेके मैविक सीरीज तक के ड्रोन भी मिल जाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि अगर आपके ड्रोन को कुछ होता है या पहले कुछ हुआ है तो यहाँ पे आप अपना ड्रोन रिपेयरिंग के लिए भी दे सकते हो। बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर जिसकी वजह से मैंने अपना ड्रोन स्विच किया मैविक मिनी 1 से मिनी 4 पे। पहला तो इसका रिमोट, मिनी 4 का ये रिमोट है और मिनी 1 का रिमोट है। मिनी 1 के रिमोट में ना आपको मोबाइल पहले कनेक्ट करना पड़ता था आपके इस डिवाइस से, फिर इसको आपके ड्रोन से कनेक्ट करना पड़ता था, फिर इसका रेंज एक्सटेंड करो, फिर उसके बाद आपको उड़ाने मिलता था। और इनकेस आपका बीच में किसी का कॉल आ गया तो आपको ऐसा वीडियो बनाने नहीं मिलेगा और आपको फ़ोन उठाना ही पड़ेगा कुछ ऐसा इमरजेंसी हुआ तो जिसकी वजह से आपको RC2 कंट्रोलर मिनी 4 में मिल जाता है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं, आराम से उड़ाते रहो। और जो दूसरा प्रॉब्लम था ना मिनी 1 ड्रोन में वो है इसका बैटरी। माना कि इसमें तीन बैटरी मिल जाता है, मिनी 4 में भी तीन बैटरी मिल जाता है, बट इसका जो फ्लाइंग ड्यूरेशन था ना वो सिर्फ 20 मिनट्स का था अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड पे डालो तो। इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड पे 30 मिनट्स का टाइम मिल जाता है, और अगर आप नॉर्मल और सिनेमैटिक पे चलाओ तो आपको 45 मिनट्स का मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा किया ये लोग ने। फिर जो थर्ड चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ना वो है कि आपको मिनी 4 में, आपको ये दिखाता हूँ, मिनी 4 में आपको वर्टिकल वीडियो लेने मिल जाएगा। क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जब आप शॉर्ट्स या रील्स अपलोड करते हो ना तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए। इसमें आपको लाइक क्या हो जाएगा, आपका कैमरा लिटरली ऐसा रोटेट होता है वर्टिकल शॉट्स लेने के लिए। मिनी 1 में ऐसा नहीं है, मिनी 1 में आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल शॉट्स ले सकते हो। अगर आप हॉरिजॉन्टल शॉट्स ले भी रहे हो ना तो इसका आपको वीडियो क्रॉप करना पड़ेगा। जब आप क्रॉप करते हो ना वीडियो तो उसमें थोड़ा सा लाइक ऐसा वीडियो फटाफटा दिखता है, जो कि ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। फिर जो थर्ड चीज़ मेरे को मिनी 4 का अच्छा लगा ना वो है इसका
नाइट मोड, इसका जो नाइट में जो वीडियो लेता है ना ये बहुत ज्यादा क्रेजी लेता है। आपको अभी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, मैंने मिनी वन और मिनी फोर को कंपेयर करके नाइट मोड का वीडियो एक डाला ही है। फिर जो पांचवा चीज जो मेरे को DJI मिनी वन में प्रॉब्लम देता था ना, अगर आप 45,000 रुपीज दे रहे हो और आप उसमें ऐसा लंबे रेंज तक उड़ा नहीं सकते तो फिर क्या ही फायदा हो ड्रोन लेके। तो इसमें ना 15 मीटर का जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लाइंग रेंज मिलता है, इसको आपको फिर किसी ऐप के थ्रू एक्सटेंड करना पड़ता है। बट इसके अंदर आप बिना एक्सटेंड किए इसको आप 20 किलोमीटर तक लेके जा सकते हो और 120 मीटर ऊपर तक लेके जा सकते हो। इसमें वैसे तो 500 मीटर का दे रखा है आपका हाइट, आप उतने हाइट तक लेके जा सकते हो, बट है ना इंडिया में ये अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से सिर्फ 120 मीटर ही अलाउंस है। और ये सबसे बेस्ट चीज़ ये ड्रोन्स का ऐसा है कि ये 250 ग्राम्स के अंदर आता है, जिसकी वजह से आपको इसके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पे आप कोई भी ड्रोन नहीं उड़ा सकते, तो वो देख के ही चलना, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे अब मैं आपको कुछ एसेसरीज बता देता हूँ जो आपको मिनी फोर ड्रोन के लिए ले लेना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ मत लेना अगर आप एक बिगनर हो तो। प्रोफेशनल हो तो आप ऐसा कई बहुत सारे वीडियोस है जो ऐसे एसेसरीज बता देते हैं उनके आप देख सकते हो एंड आप ले सकते हो। लेकिन आपको जो बिगनर हो, बिगनर लेवल पे आपको कौन से एसेसरीज लेने हैं आपको मैं अभी बता देता हूँ। पहला जो प्रोडक्ट है ना वो DJI खुद अपने साथ देता है फ्री में, ये छोटा सा चीज़ है लेकिन ये बहुत काम का आपके ड्रोन के गिम्बल के लिए। आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये आपका ड्रोन है एंड इससे आप अपने ड्रोन को सेफ रखते हो। ये उसका कवर है, ये कवर ये आपका लग जाता है बट आपका गिम्बल अंदर हिलेगा। इसको एकदम स्टेबल रखने के लिए आपको ये मिलता है, पीछे एक फॉर्म जैसा कुछ मटेरियल है, आप ऐसे रख दो एंड आपका गिम्बल एकदम स्ट्रेट रहेगा, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। तो बस ये ध्यान रखना कि आपका जो ये छोटा सा फॉर्म है ना ये घूमे ना, ताकि आपका गिम्बल बचा रहे। तो दूसरा प्रोडक्ट है फाइबर कैस्टल की तरफ से आने वाला ये टैकेट। सपोज आप मानसून सीजन में कहीं राइड पे गए हो एंड आपको वीडियो लेना है बट आप वीडियो ले नहीं सकते, माना कि DJI Mavic Mini 4 में ऐसा है कि आप ये बारिश में उड़ा सकते हो कुछ हद तक, बट इसका जो पीछे जो स्लॉट दे रखा है ना एक SD कार्ड का और एक ये अपना चार्जिंग पॉइंट, वो बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से मैं ये टैकेट यूज़ करता हूँ। अभी ये प्रोडक्ट कैसा है, थोड़ा सा ऐसा क्लेश मटेरियल आता है, इसको आपको थोड़ा सा तोड़ना है, ऐसा एकदम चिपकता है। मैं इसको ऐसा कब से एक साल से यूज़ कर रहा हूँ और निकाल के रखा हूँ, अभी तक इसका जो ऐसा वो चिपकने वाला जो कुछ मटेरियल आता है ना वो ख़त्म नहीं हुआ है। आपका ये ड्रोन है ये लेना है और इधर आपको ऐसा चिपका देना है, ऐसे मैंने चिपका दिया, ये इजीली रिमूवेबल है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ये आपके ड्रोन को बिगाड़ेगा भी नहीं। मैं इसको है ना अपने ऐसे ये मीडिया मोड पे भी यूज़ करता हूँ जब मैं GoPro पे लगा के घूमता हूँ, तो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मानसून में ये प्रोडक्ट बिगड़े मेरा, क्योंकि ये बहुत महंगा आता है इसीलिए। तीसरा प्रोडक्ट आता है आपके RC2 कंट्रोलर के लिए। ये जो कंट्रोलर है ना इसका स्क्रीन आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है। सपोज आप उड़ा रहे हो, उड़ाते उड़ाते आपका ये कंट्रोलर कहीं पे गिर गया तो आपका स्क्रीन टूट सकता है, जिसके लिए आता है ये कैरफ्लेक्शन की तरफ से टेम्पर ग्लास। आपको अंदर दो टेम्पर ग्लास मिल जाएगा, एक मैंने लगा के रखा है अपने ड्रोन के ऊपर और एक अभी मेरे पास टेम्पर ग्लास है। सपोज ये कहीं पे टूट गया, इमरजेंसी में चाहिए मेरे को नया टेम्पर ग्लास, तो मैं ये लगा सकता हूँ। फिर जो अब जो चौथा प्रोडक्ट है वो है केस। इसके साथ आपको एक केस पहले से मिल जाता है जो ये सॉफ्ट केस है आपका आपके ड्रोन के लिए और एकदम कॉम्पैक्ट है, छोटा सा केस है। बट अगर आपको ऐसा बहुत ज़्यादा सामान है और आप अपना ड्रोन उसके अंदर रख रहे हो सामान के साथ, तो आपके ड्रोन को थोड़ा तो प्रोटेक्शन चाहिए ना, तो उसके लिए हार्ड केस है ये। ये सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ले सकते हो। आपको अंदर खोल के बता देता हूँ ये हार्ड केस कैसा है, इससे ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना लोगे आपका ड्रोन एकदम सेफ रहेगा। ये रहा, इसके यहाँ पे आप अपना ड्रोन रख सकते हो, यहाँ पे अपना रिमोट रख सकते हो, यहाँ पे आप अपना अपना बैटरी रख सकते हो और इधर आप अपना केबल एंड चार्जर रख सकते हो, और इधर भी एक स्लॉट दे रखा है जिसके अंदर आप अपना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट सामान है ड्रोन के रिलेटेड एसेसरीज कुछ भी, वो भी इसमें आ जाएगा। फिर जो पाँचवा प्रोडक्ट है जो आपको लेना है वो है ये नेक्स्ट स्टेप। और ये क्यों आपको बताता हूँ, आप सोचो कि आप ऐसा सोलो राइड पे गए हो एंड आपको ड्रोन उड़ाना है बाइक चलाते चलाते एंड इसमें एक्टिव ट्रैकिंग वाला फीचर दे रखा है जो मैं अगले वीडियो में एकदम और अच्छे से बताने वाला हूँ, अभी तो सीख ही रहा हूँ मैं ड्रोन को उड़ाना। तो आपको ड्रोन उड़ाना है बाइक चलाते चलाते बट आप रिमोट कहाँ पे रखोगे, तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप आता है। इसको सिर्फ आपको ऐसे पहन लेना है एंड आप अपना ड्रोन एक्टिव ट्रैकिंग पे रख दो, आपको ट्रैक करते रहेगा और आपका रिमोट आपके लैप्स पे रहेगा और बाइक चलाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं गिरने का। सिक्स्थ प्रोडक्ट जो है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है आपके ड्रोन के लिए लैंडिंग पैड। अब ये लेना क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो मिनी वन ड्रोन है ना उसको मैं पहले बिना लैंडिंग पैड्स के उड़ाता था, जिसकी वजह से प्रोपेलर जब रोटेट करते थे ना तो उसके अंदर छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स जमा हो गए थे और उस चीज़ की वजह से मेरा जो फ्लाइंग रेंज था ना वो थोड़ा कम हो गया था मिनी वन का। तो अगर आपको अपना ड्रोन संभाल के यूज़ करना है एंड आपको नहीं चाहिए कि ये प्रॉब्लम आपके ड्रोन में आए, तो आप ये लैंडिंग पैड ज़रूर ले लेना जिस पे आप अपना ड्रोन रख के उसको अच्छे से उड़ा सकते हो बिना ड्रोन को कुछ नुकसान पहुंचाए। तो अब लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट आपको बता देता हूँ जो कि है SD कार्ड। आपको इस ड्रोन के लिए दो SD कार्ड लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको ड्रोन और रिमोट कंट्रोल दोनों में SD कार्ड डालना है। एक आएगा आपके ड्रोन के लिए और दूसरा आएगा
आपके RC2 रिमोट के लिए। RC2 रिमोट में आपको SD कार्ड इसे डालना है, इसीलिए डालना है कि इसमें आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला फीचर दे रखा है, तो अगर आप सपोज स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपके SD कार्ड में सेव हो जाएगा। और दूसरा जो SD कार्ड है वो आपके ड्रोन में जाएगा जो वीडियो रिकॉर्ड करके आपके SD कार्ड में सेव करेगा। बाकी अगर बताओ तो आपके ड्रोन के लिए 128GB वाला एक्सट्रीम प्रो SD कार्ड लोगे तो इनफ है, एंड अगर आप अपने रिमोट कंट्रोल के लिए ले रहे हो तो आप एक्सट्रीम 64GB वाला ले लोगे तो बहुत ज्यादा ही हो गया इसके लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो उनको शेयर जरूर करना जिसको ड्रोन चाहिए हो और सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा हो। बाकी मैंने कुछ एसेसरीज भी इस वीडियो में बता दिया तो उसके थ्रू वो हेल्प ले सकता है। एंड बताओ तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ ये DJI Mavic Mini 4 पे, इसके ऊपर मैं बनाने वाला हूँ कि अगर आप एक सोलो राइडर हो और ट्रैवलर हो या मोटो ब्लॉगर हो तो इसको आप किस हद तक यूज कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, जो सोलो राइडर्स है ना उनके लिए ये ड्रोन बहुत ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा काम का है, क्योंकि इसमें एक्टिव ट्रैकिंग वाला फीचर दे रखा है जो बहुत ज्यादा हेल्प करता है अगर आप अकेले कहीं ट्रैवल के लिए जाते हो तो। बाकी अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को, उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है मुझे भी, एंड लाइक भी कर देना, एक लाइक ही तो दबाना है, कुछ करना नहीं है उससे ज्यादा। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।